अलगू माई डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैं बिल्कुल ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा चलें आज चाय मैं खुद बनाऊँगी सुबह उठी सिस्टर ने नाश्ता बना दिया था चाय मैंने खुद बनाई थी क्योंकि वो जॉब करने लग गई थी फिर ऑनलाइन काम करने लग गई थी तो मैंने सोचा चलें चाय मैं खुद बना लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया अपना मॉर्निंग की रूटीन को आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं बनी है वीडियो बट ये कि मैंने अपनी कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं कवर कर सकूँ चलें, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया था उसके बाद पत्ती मैंने ली पत्ती डाली है मैं अम्मी के घर पे आई हुई हूँ यहाँ पर अभी मेरी वैसे मैं ससुराल में होती हूँ अदरवाइज मेरी चाय के बारे में फेमस है कि मैं चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाती मतलब यार ऐसे कैसे मुझे तो अच्छी लगती है मेरे हाथ की चाय बट किसी और को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि मैं पत्ती बहुत ज़्यादा कम रखती हूँ मुझे पत्ती ज़्यादा अच्छी नहीं लगती वो कहती हूँ दूध होना चाहिए चाय में और उसका जो कलर होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए वैसे नॉर्मली तो हमारे यहाँ पर ऐसे होता है ना कि तेज़ पत्ती की चाय सब पी रहे होते हैं वो जो पठान वाली होती है उस तरह की चाय कड़क चाय जिसको कहते हैं वो पी रहे होते हैं ना लोग लेकिन मुझे वो ज़्यादा नहीं पसंद मैं बिल्कुल हल्की पत्ती रखती हूँ दूध ज़्यादा रखती हूँ पानी कम रखती हूँ इस तरह से मेरी पत्ती होती है जान कप निकाल लेते हैं मैंने यहाँ से कप निकाले अपने लिए सिस्टर के लिए कप निकाला और फिर चाय का वेट किया इसमें ये अंडा बन रहा था ये मेरी सिस्टर ने बनाया मैंने नहीं बनाया पराठा भी मेरी बहन ने बनाया है <laughs> मैंने सिर्फ चाय बनाई है और ये जो आपको स्टीकर नजर आ रहा है ना तो ये आप ये मत सोचिएगा हम स्टीकर लगा के जाए लोग इतना शुरू हो जाते हैं असल में ये मुझे आइडिया नहीं था ये हम कल ही लेकर आए थे न्यू जाकर और इस वजह से ये इसके ऊपर स्टीकर लगा हुआ है सॉस सॉसपैन पर में ही चाय बन रही है मुझे ये भी नहीं था कि जल जाएगा अभी देखें क्लियर हो गया सारा आसमान ना ये हमारे घर से थोड़ा सा यहाँ से खुला हुआ है तो नजर आता है यहाँ से बड़ा अच्छा लगता है फिर देखते हैं तो फिर यहां से फिर अंदर गई मैंने देखा मेरा बेटे ये भी मेरे बेटे हैं मोहम्मद जोहान और ये लगे हुए थे अपनी पोयम शोयम देख रहे थे उसके बाद मैंने ये सोचा चले जी यहाँ से मैं ग्लासेस और फीडर वगैरह उठा के ले जाती हूँ वॉश करने के लिए मैंने तीनों चीज़ें एक ही हाथ में पकड़ ली थी तो ये गिरने वाला था लिटरली लेकिन शुक्र है कि बच गया वरना मेरी अम्मी ना मुझे जूते लगा रहे थे अभी भी मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती हैं कि क्या करती है वो बिल्कुल नहीं तो मैं काम करने आता ये वो तो मैंने बड़े ख़तरे हुए खिलाड़ी बन के ना तीनों चीज़ें हाथ में उठा के इनका वीडियो बनानी है वीडियो बनानी है तो ये मैंने यहाँ पर ला रख दिया था उसके बाद मैं इनको वॉश करूँगी अब ये देखें जी चाय बन रही है साथ साथ यहाँ पे चाय बनी मैंने जुहान के लिए प्याले में निकाली ताकि ठंडा हो जाए चाय उसकी ठंडी हो जाए मैं उसको ब्रेकफास्ट करवा सकूँ उसकी मैंने पहले निकाल के रख देती हूँ साइड पे कौन 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 कौन, -कौन माएँ हैं जो पहले अपने बच्चों को नाश्ता करवाती हैं और बाद में ख़ुद करती हैं वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा मैं ये करती हूँ कि मैं पहले अपने बेटे को नाश्ता करवाती हूँ उसके बाद मैं खुद करती हूँ मतलब मुझे सुकून मिलता है कि भाई पहले वो खा ले उसके बाद मैं खा लूँगी तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका पानी का मग धोना स्टार्ट किया जुहान की चीज़ों का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ इसकी वैसे तो मासी भी वॉश कर देती हैं लेकिन ये कि मैं खुद जुहान की फीडर्स हो गई या बॉटल्स हो गई वो ख़ुद मैं वॉश करती हूँ वो किसी किसी से मैं वॉश नहीं करवाती मुझे किसी के ऊपर एतबार नहीं है बच्चों के मामले में तो यार आपको पता ही होगा कि बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता किसी के भी ऊपर या मेरी अम्मी सिस्टर धो देती हैं तो ठीक है मैंने फिर मैंने इसको अच्छा मैं अपने बेटे को पानी बहुत ज़्यादा पिलाती हूँ सुबह उठते ही मैं इसको पानी देती हूँ पानी पिए पानी का इंटेक ज़्यादा रखती हूँ मैं अपने बेटे के लिए ख़ुद मैं भी बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ सुबह उठते ही मैं पानी पीती हूँ तो आप सब भी पानी ज़्यादा पिया करें क्योंकि पानी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आपके जिसम से जो भी डिज़ीज़ होती हैं उस सबको वो रिड्यूस करता है तो पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है तो आप कोशिश किया करें मैं तो ये मैंने पाँच लीटर की एक बॉटल बनी हुई है मुझे ये होता है कि मैं दो दिन में उसको ख़त्म कर दूँ तो ये मैंने अपने बेटे के लिए बॉटल में पानी रख दिया था और वो ये मैंने जुबान को दे दिया है अब ये पीता रहेगा गिराता रहेगा इंजॉय रहेगा और अब मेरी बारी है मैं इसको नाश्ता कराऊंगी पहले उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी जी इसका नाश्ता लेके चलते हैं ताकि ये नाश्ता करे चाय यहाँ पे रेडी है मैंने अपनी चाय छोड़ दी थी मुझे ज़्यादा गर्म चाय पसंद नहीं है तो ये देखें कि इस कल... यार इतनी बुरी नहीं है चाय का कलर देखें अच्छी है मुझे गोरी चाय अच्छी लगती है गोरी चाय <laughs> मतलब हाँ गोरी चाय मुझे पसंद है मुझे काली चाय अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें मैं बाद में आके धोंगी और ये जोहान बस मैं किचन में जैसे आती हूँ पीछे पीछे जाके पकड़ लेता और ये इसने चीनी का जो कैप है ना ये उठा के इसने ले गया था रूम में बाद में मैंने देखा मुझे कैप गया अम्मी ने तो मुझे जूते मारने यार चलो वही कैप लेके आओ बट अम्मा ने मुझे मेरी पिटाई कर देनी है तो फिर मैं जोहान को लेके जा रही हूँ अंदर इसको ब्रेकफास्ट करवाऊँगी पोयम देखता रहेगा आपके बच्चे भी पोयम देखते हैं मुझे जरूर बताइएगा ये ब्रेकफास्ट करते करते पोयम्स देखते हैं या नहीं जोहान तो बिल्कुल नहीं खाते है इतनी मुश्किल से मुझे उसको खिलाउ खिलाना पड़ता है लोग कहते हैं टीवी देखते हुए आप पोएम्स नहीं दिखाया करें बट क्या करें यार बच्चे खाते ही नहीं है तो और ये मैं जरा मैं स्टीविया यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं शुगर यूज़ नहीं करती तो मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ चाय में और आज डाइट पर भी हूँ तो थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि <laughs> अभी आप लोग आगे देखेंगे कि मैं पराठा खा रही हूँ और आप बोलेंगे ये डाइट कर रही है कौन सी डाइट हो रही है तो यहाँ अम्मी के घर पे आई हूँ तो यहाँ मुझे पराठा मिल जाता है बना के दे देती हैं अम्मी तो इसलिए मैं पराठा खा लेती हूँ फिर ये जोहान को पता नहीं क्या चाहिए था बस मैं किचन में आती हूँ उसको ये होता है कि आप मेरे साथ बैठ जाओ आके कुछ करो कोई काम ना करो कुछ ना करो बस आप मेरे साथ सज के ना बैठ ही रहो कोई काम ना करो आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं मतलब मेरा ख्याल है तमाम जो अम्माएँ होती हैं ना उनके बच्चे सबके ऐसे ही होते हैं तो यहाँ पर जनाब मैं लेने लगी थी अपनी चाय शाये मैंने ली और उसके बाद पराठा मैंने निकाला उसके लिए मैंने उसके बाद मैंने नाश्ता किया आराम से बैठ के आप लोगों की क्या रूटीन होती है मुझे जरूर बताइएगा और आज मैंने अम्मी को कहा था कि हम कड़ी बनाएंगे क्योंकि मेरा कड़ी अम्मी के हाथ की कड़ी खाने को बड़ा दिल कर रहा था दोपहर में तो मैंने अम्मी को कहा था कि अम्मी आज हमने कड़ी ही बनानी है तो अम्मी ने कहा चलें ठीक है आज हम दोपहर में कड़ी बनाएंगे तुम नाश्ता तो कर लो कम से कम सुबह का तो खा लो उसके बाद हर वक्त खाने खाने की लगी रहती है अम्मी ने मुझे कहा कि आप पहले नाश्ता कर लो उसके बाद कड़ी भी बन जाएगी मैंने कहा चलें ठीक है जनाब तो फिर ऐसे करते करते हमारा दोपहर का टाइम हो गया अलग लंच का टाइम हो गया लंच में अम्मी जान लगी हुई थी कड़ी बनाने में क्योंकि मैंने कहा था कड़ी बनाइएगा तो ये देखें अम्मी ने यहाँ पे पकौड़ों का सारा जो मिक्सचर होता है वो तैयार करके रखा हुआ था इसमें प्याज धनिया पुदीना नमक मिर्ची सब मिला के अम्मी ने रखा हुआ था और ये कड़ी सुबह से ही अम्मी ने चढ़ा दी थी जन नाश्ता जब मैं कह रही थी ना तो तभी अम्मी ने चढ़ा दी थी कि पकती रहेगी क्योंकि कड़ी जितनी पकती है ना उतनी मज़े की बनती है तो ये भर के अम्मी ने ना देगचा बना लिया था और ये अभी पक रही है पक रही है और इतनी मज़े की कड़ी बनी थी ये

तो ये अम्मी इसमें बना रही हैं अब ये अम्मी इसमें डालेंगी अपनी जो उनकी है खूसियात नमक और मिर्ची वगैरह ये क्या डाला था अम्मी ने बताया कुटी हुई मिर्ची डाली धनिया डाला था हाँ धनिया डाला था इसमें ज़ीरा डाला था अम्मी के पकोड़े भी बड़े अच्छे बनते हैं हमारी अम्मी के पकोड़े भी बड़े फ़ेमस हैं और कड़ी की तो क्या ही बात है अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो तो मुझे आप मुझे बताइएगा मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर कर दूँगी डालने लगी थी इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या इसके अंदर डलेगा अम्मी ने इसमें धनिया ज़ीरा पदीना नमक प्याज कटी हुई हरी मिर्ची कटी हुई ये सब डाली सब मिक्स किया इसके अंदर और इसके पकोड़े अम्मी ने तैयार करके रख दिए थे मिक्सर पहले से तैयार करके रख दिया था और जो कड़ी है ना वो फिर पक रही थी तो जब पकोड़े बाद में अम्मी ने फ्राई कर लिए थे क्योंकि कड़ी तो पकती रहती है बहुत देर तक पकती है तो फिर अम्मी ने ये सब बेसन वैसन डाल दिया था मैंने अम्मी को कहा था मतलब अम्मी के हाथों का तो कुछ भी अच्छा लगता है ना यार आपका अम्मियाँ जो भी बनाती हैं मुझे ऐसा लगता है कि बस सब अच्छा लगता है आपको और यहाँ पर फिर अम्मी ने पकौड़े स्टार्ट कर दिए थे बनाना और इनकी शक्ल देखें कितने खूबसूरत पकोड़े लग रहे हैं इतने कोई मज़े के ये बने थे ना बहुत ज़बरदस्त कड़ी बनी थी ये कड़ी बन रही थी साथ साथ में अम्मी बहुत अच्छी कड़ी बनाती हैं मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मैं मैंने अम्मी को कहा मैंने कहा अम्मी ज़रा एक पकौड़ा था मुझे चका देना मौसम इतना अच्छा हो रहा है बादल बादल आ गए थे पता है क्लाउडी वेदर हो गया था ऐसा लगा था कि बारिश होगी लेकिन बारिश पता नहीं गर्मी जो है ना वो जो औरतें नहीं होती हैं वो जो जुझा रही होती हैं और दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं जाते जाते और बातें करने लग जाती हैं वो वाला हाल हुआ हुआ है इस तरह से ना गर्मी वापस आ गई है जाते जाते पता नहीं क्यों तो ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत सा वेदर हो रहा है इतने अच्छे क्लाउड्स आ गए थे और ऐसा लग रहा था बस अभी बारिश होने वाली है लेकिन बारिश वारिश कोई नहीं हुई <laughs> गर्मी बरकरार थी मैं पकौड़े इन्जॉय कर रही थी यहाँ पर और अम्मी जनाब लगी हुई थी अपने काम शाम करने में मैंने सोचा चलें भाई आज तो हमें अम्मी के हाथ की कड़ी मिली जाएगी तो उसके बाद कड़ी इंजॉय की हमने बहुत मज़े की जो कि बनी थी पकौड़े बड़े चटपटे से बने थे तो मुझे इतनी मिर्ची लग गई मैंने कहा मम्मी इसमें तो बड़ी आपने मिर्चियाँ डाली हैं ज़बरदस्त सब की सब्जी मुझे मिर्चें लगी उसके बाद मैंने फ़ौरन पानी पिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने हरी मिर्ची खा ली फिर मैंने सिस्टर को कहा कि जल्दी जल जल्दी रोटी बनाओ ताकि रोटी बनाओ और फिर ताकि मैं खाना खाऊँ मुझे भूख लगी है तो उसने फिर मेरे लिए रोटी बनाई और फिर हमने कड़ी से खाना खाया तो आई होप आपको मेरा आज का मतलब पसंद आया होगा मेरा फर्स्ट फ्लोक है तो काइंडली चैनल पर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और मैं आपके साथ फिर मिलूँगी इन एक नए मल्ला में और तब तक अपना ख्याल रखिएगा मुझे में याद रखिएगा अला बाय बाय थैंक यू